हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक औरत के लिए माँ बनना बेहद खुशी की बात होती है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्हें माँ बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने माँ बनने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर किया। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके लास्ट तक बने रहें। प्रीति जिंटा। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा ने फरवरी 2016 में जैनी गुरिनव से शादी किया और आज शादी के 5 साल बाद प्रीति जिंटा और उनके पति 2 ट्विंस बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं, जिसकी जानकारी प्रीति ने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर की है। करीना कपूर। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि करीना कपूर हाल ही में अपने दूसरे बच्चे की माँ बनी है। इन्होंने अपने पहले बेटे तैमूर को सी सेक्शन के थ्रू जन्म दिया था, लेकिन अपने सेकंड बेबी को करीना ने नॉर्मल डिलीवरी करना ही चुना। अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी 2021 में एक बेटी की मां बनी है, जिसकी जानकारी उन्होंने बेहद सीक्रेट रखा था। अनुष्का ने जनवरी 2021 में अपनी बेटी वामिका को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया था। ऐश्वर्या राय बच्चन। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय उस समय 38 वर्ष की थी जब इन्होंने अपनी बेटी आराध्या को जन्म दिया। आराध्या को इन्होंने नॉर्मल जन्म ही दिया था। दिया मिर्जा। बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अचानक शादी करके लोगों को सरप्राइज कर दिया था और कुछ ही समय के बाद दिया ने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए दी थी और दिया ने अपनी पहले बेबी को जन्म देने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को ही चुना था। मीरा राजपूत। बॉलीवुड की मोस्ट हैंडसम एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने अपनी पहली बेबी मीशा राजपूत को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया था, जबकि उन्होंने अपने सेकंड बेबी को सी सेक्शन के जरिए जन्म दिया था। काजोल। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री काजोल ने अपनी पहली बेटी न्यासा को जन्म देने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को चूज किया था, जिस वक्त काजल 29 वर्ष की थी। दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।